नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वहां के वर्तमान में श्री महंत राम सरेता जी महाराज को दंडवत करते हुए सभी संतों को, छोटे बड़े संत नहीं होते, हमको हम सबको दंडवत कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से मेरा यह आग्रह है कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, हमारे विचारों को जन जब तक और संत के अनुकूल, संत का कैसा चरित्र होना चाहिए, और हम जो ये देश धारण किए हैं, हमारा काम है कि हम सनातन धर्म में किसी भी तरह का अगर कोई छेदन भेदन करता है धर्म में, तो हम उसके लिए आगे आए और हम शासन प्रशासन से अपनी बात कहें और शासन प्रशासन हमें सहयोग करे। हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि हम शासन या प्रशासन से युद्ध करें, लेकिन जो पिछले दिनों से यहाँ चालू है शूटिंग, उसको अभी रोका नहीं गया, बल्कि मेरे जो सनातन धर्म के रक्षक थे, जो हमारे सहायक थे, उनके साथ, क्योंकि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप लोगों को आमंत्रित किया गया है, अगर आपके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार होगा तो विरोध आप अवश्य करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कुछ ऐसे दृश्य फिल्माए गए, दिखाए जा रहे हैं, उसके विरोध में हमारे बजरंग दल हो, हिंदू परिषद हो, शिवसेना हो, या और अन्य कोई दल हो, या अन्य कोई और संस्थाएं हो, जो अगर हमारा समर्थन करती हैं, तो हम उनका आभार मानते हैं, क्योंकि यह मेरा काम है। लेकिन आपको बताएं कि भोपाल राजधानी होने के कारण और आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है कि आप हमारे विचारों को, शब्दों को बड़े सशक्त रूप से समाज में, हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हमारे धर्म का अगर कहीं छेदन भेदन होता है तो हम उसके विरुद्ध हैं। और शासन प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि छेदन भेदन करने वाले काम को रोका जाए, और जिस प्रकार से हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए या धर्म का उपहास करने के लिए या धर्म को हमेशा विकृत करने के लिए ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे धर्मों की कभी कोई ऐसी बात नहीं होती, इसलिए कभी विरोध नहीं होता। हमारे धर्म में ऐसा कौन सा वह व्यक्ति है जो कि अभी मैंने सुना है कि कोई था है तो लगता तो है नाम से हिंदू है, तो हिंदू होकर के भी अगर वो हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म का सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनसे हम क्या उपेक्षा करें और क्या उनसे हम आशा करें कि वो हमारे साथ हमारे धर्म को इस कृत्य से बचाए। और मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त भारत के समस्त प्रांतों में जो लोग भी इस प्रकार से हैं, संत समाज है, वह हमेशा अगर किसी प्रकार का सनातन धर्म के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो उसका छेदन भेदन करना चाहिए, और अगर शासन प्रशासन को मुकदमा दायर करना है तो हमारे ऊपर कायम करें, क्योंकि वो हमारे लिए आगे आए हैं, चाहे वो बजरंग दल के हों, हिंदू परिषद के हों, शिवसेना के हों, किसी भी दल के हों, किसी भी संस्था के हों, लेकिन अगर उनके ऊपर केस दायर किया गया है तो उसको तत्काल केस को हटाया जाए और इस जो कृत्य को रोकने का शासन और प्रशासन प्रयास करे। हम सब संत यहाँ के जो है, हम यहाँ आपको बताएं कि यहाँ पे प्रधान प्रधान जो मंदिर थे, आपको और बता देते हैं कि कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि मंदिर के नाम से ऐसा लगता है कि संतों ने बड़ी तपस्या की होगी। कमाली मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, जबकि यहाँ मंदिर नहीं था, लेकिन कुछ महात्मा को मारने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन जब रात को जाते थे तो हाथ कहीं, पैर कहीं, सिर कहीं मिलता था, लेकिन जब खुद बादशाह ने देखा तो उसने
अपनी जमीन उतना उधर जो है शाहजहानाबाद का गेट है, इधर जो है जुमराती गेट है, इधर कोई कॉलेज है और उधर रेलवे स्टेशन है, इतना चौधरी में जमीन दिया था। इसके बाद एक गिनौरी मंदिर है, आपको बताएं उस पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया। संत अखिल संतों से आपकी क्या उपेक्षा है, क्या धर्म स्थान पर ही कब्जा करना है? गिन्नौरी मंदिर, गिन्नौरी मंदिर इसलिए नाम पड़ा था कि जो महात्मा उस समय नशा करते थे, गांजा पीते थे, तो गिन्नी निकलती थी उनके छिलम से, इसलिए उसका नाम गिन्नौरी पड़ा। लेकिन उस पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया। एक छतौड़ी मंदिर है एतवारा में, उस पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया। एक हिरनो मंदिर है आजुर मस्जिद के ठीक पीछे, उस पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया। तो हम लोग को आप कितना प्रताड़ित, या तो आप सनातन धर्म का कोई ऐसा संविधान बनाइए, शासन प्रशासन बनाए, या राष्ट्रीय स्तर से ऐसा धर्म बनाया जाए कि सनातन धर्म को ही मान्यता बंद कर दे और सनातन धर्मियों को अंदर जेल में कर दे। क्योंकि जब तक यह हमारे विरुद्ध होता रहेगा, हम जरूर आवाज उठाते रहेंगे, कुछ भी हो कैसा भी हो, लेकिन हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और मेरा सबसे आप लोगों से भी आग्रह है कि आप हमारे सहयोग में आप लोग भी हिस्सेदार बनिए। नहीं, नाम को लेकर भी आपत्ति है और उसके अंदर जो सीन फिल्माए गए हैं उसको लेकर भी आपत्ति। नहीं, मैंने अपने उसमें पहले कह दिया था कि दो पार्ट पहले जब बने तो हम लोगों ने वो देखे नहीं थे, लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जब वो पार्ट देखे और हम लोगों को बताया, और फिर तीसरा पार्ट जब बनने जा रहा था यहाँ, वो लॉकडाउन के तहत बने हुए थे, लॉकडाउन के समय बने, किसी संत ने वो पिक्चर आज तक हमने तो अभी भी नहीं देखी, लेकिन हमने अभी कल वो जो परसों की घटना हुई जब प्रज्ञा जी के यहाँ सभी लोगों से मुलाकात हुई, उस दिन हमने वो पिक्चर का जो सीन देखे। तो आज सभी संतों का एक ही भाव और आक्रोश ये है कि हमारे ही धर्म पे बार बार प्रहार क्यों करते हैं? क्या हिंदू धर्म इतना सस्ता और लचीला दिखाई देता है? भाई आप ये मत सोचिए कि हिंदू सो रहा है, हिंदू पूरी तरह जाग रहा है, और जिस दिन जाग के उग्र रूप धारण कर लेगा उस दिन आपको संभालना मुश्किल हो जाए। नहीं नहीं, सरकार मदद कर रही है, अभी हमने उसका प्रति क्या क्या होता है कि हर कब्जे का जो कब्जा धीरे 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 होता है, और एक दिन जब बड़ा रूप हो जाता है तो हमें दिखाई देता है। हम सरकार के सामने इसका पूरा वो रखेंगे और कुछ लोग रख भी रहे हैं, तो सरकार सहयोग भी करती है इसमें। आपको शायद ध्यान होगा, माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस पिक्चर के उसमें इसके विरोध में कहा कि नहीं, ये पिक्चर बंद होना चाहिए, तो सरकार का सहयोग है। सरकार का अपना दायरा होता है, सरकार अपनी अपने स्तर से कर रही है। भाई माननीय गृहमंत्री जी का बयान भी तो आया है कि ये फिल्म गलत तरीके से बनाई जा रही है, लेकिन क्या होता है कि हर आप लोग सब बहुत बुद्धिमान लोग हैं, सब जानते हैं कि हर चीज का सिस्टम होता है। टाइम है जो हमने जो सीन देखे उसमें जो आश्रम और जिसमें वो कृत कर रहा है, नहीं नहीं कौन से आश्रम, तो मदरसों में कृत नहीं हो रहे, आप सोशल मीडिया में जाइए ना। हाँ नहीं, ये मांग नहीं खाई, मांग आश्रमों में बाहर कृत हो रहा है, आप देख रहे वही प्रमाण तो ये वो संत नहीं है, आसाराम रामपाल इत्यादि जो है उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, या उसके पक्ष में कोई साधु गिरफ्तारी महात्मा पहुंचे, कोई नहीं गया। दुष्कर्म यदि हम करेंगे तो हमें भी कौन बचाएगा? क्या इस भारतवर्ष में जगत गुरु रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य,
कुंभार्काचार्य विष्णु स्वामी मध्वाचार्य ये नहीं है क्या इस भोपाल में सरस्वती कंठाभरण लिखने वाले व्याकरण मर्मज्ञ संस्कृतज्ञ जिस भोपाल को राजा भोजपाल ने बताया वो नहीं है, उनको दिखाना चाहिए। सनातन धर्म के ऊपर आश्रम नाम से फिल्म बना करके किस आश्रम को इंगित किया और उन्होंने कोई खुलासा तो है नहीं, केवल सनातन धर्म को बदनाम करने का उनका उद्देश्य है। ये साजिश केवल प्रकाश झा की हो ऐसी बात नहीं है। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए तो मुगल काल में भी युद्ध हो रहे हैं मुगलों से और हिंदू ही उनके साथ लड़ते थे, तो ऐसे भ्रमित करके लोगों को लाया जाता है। अखिल जो लोग हैं उनको भी सिखाने का प्रयास किए, लोग करते नहीं। कभी इन्होंने गीता भागवत महाभारत किसी पुराण का भी उल्लेख किया क्या? करना चाहिए इनको अच्छे की बातों का। यदि बुरे राम रहीम को ही दिखाते रहोगे तो उससे देश के संतान पर जो नव युवक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। अच्छे अच्छे लोगों को दिखाओगे उसका प्रभाव पड़ेगा। श्री रामानंद सागर का जो महाभारत और श्री कृष्णा ये चले उनसे कितना अच्छा माहौल बना था। यदि कोई सुकृत करता किसी भी आश्रम में तो भले ही वो तो बचने की सोचेगा, क्या वो बच पाएगा? या आज तक बचा है कोई? बड़े बड़े धर्माचार्यों को हम उनका नाम नहीं लेते, उनको फांसी पर लटकाया गया, लेकिन उस धर्म के मानने वाले भी आज धरती पर है और सम्मान पूर्वक जीते हैं। महात्मा को नहीं, धर्माचार्य को जो प्रमुख था स्तंभ था उनको ही फांसी पर लटका दिया गया। भारतवर्ष में या मध्य प्रदेश में आज कोई भी कुकृत्य करता है उसको छुड़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाता महात्मा, न कोई उनके गवाह बनते हैं न उनके कोई सहायक बनते हैं। लेकिन केवल आश्रम नाम लेना, या आश्रम बचा क्या है? आश्रम तो जो मंदिर है इनसे पहले थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास्थ आश्रम, तो हम तो सन्यासी है। लेकिन क्या ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ के ऊपर किसी ने आज तक कोई फिल्म बनाई? क्या इसकी रक्षा करने का किसी ने प्रयास किया? भाजपा कांग्रेस किसी पार्टी को नाम लेकर के आप मुझे प्रश्न करें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे? अरे ये सभी करते तो क्या भारत का बंटवारा होता, भारत टूटता? जिन लोगों ने भारत को नष्ट करने के लिए किसी आदमी को मार दिया उसकी फांसी होती है, उसकी सजा होती है। और जिसने राष्ट्र को मार दिया उसके ऊपर कोई सजा हुई क्या? कोई किसी ने आज तक एक्शन दिया? मीडिया बंधु जो है वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, जो देखते हैं तो सुनाते हैं, लेकिन विचार विमर्श भी करने की एक बात है, मन में चिंतन भी करना चाहिए। देश नष्ट किया बचा है वो भी नष्ट हो रहा है, भगवान की इच्छा से ये भी बचेगा कि नहीं बचेगा। भोजपाल से भोपाल हुआ, अमरावती से अहमदाबाद हुआ, जिन लोगों ने किया उनको भी आज सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार भारतवर्ष में है और रहेगा जब तक दुनिया है तब तक। ये भारतीय लोग सनातन धर्मावलंबी लोग ये किसी को नकारते नहीं है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने श्रीधाम वृंदावन में अकबर को भी अपना शिष्य स्वीकार किया, रहीम जी को भी हिंदू परंपरा में स्वीकार किया, कबीर जी को भी हिंदू परंपरा में स्वीकार किया। उन महापुरुषों का चरित्र दिखाओ कि जिनके मरने के बाद हिंदू मुसलमान दोनों मांग करते थे हम संस्कार करेंगे हम दफनाएंगे, और उनको ढकके जब उभारा गया तो फूल ही निकले। अच्छी अच्छी बात फैलाओगे तो अपने समाज में अपने संतान पर अपने जो भावी लोग हैं उन पर सुप्रभाव पड़ेगा। और बुरी बुरी बातें दिखाने वालों को अपना लेना चाहिए, उनको उनकी फिल्म बनानी क्या आवश्यकता है? आश्रम फिल्म रखने की ऐसी सती साधवी पवित्र आत्मा अमलात्मा पद्मावती के ऊपर इन लोगों ने बहुत भारी लांछन लगाया जिसका पूरा खानदान समाप्त हो गया। खानदान मानी अलाउद्दीन खिलजी से लड़ने वाले राणा रतन सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, इन सब ने दुख झेला। और ऐसी पवित्र आत्मा के लिए ये कैसा हिंदू सनातन धर्म है, कैसा हिंदुस्तान है, उसको सहन करता है, उसको सुनता है? क्या उसके जो सदगुण थे उनको आर कोई नहीं लाया? उन्हें भंसाली जी को दिखाना चाहिए था कि जिसके समर्थन में 16,000 रानियां जौहर कर गई, वो पवित्र है, वो पतिव्रता है, या वो
दुष्कृत क्या है या वही क्या है, तो इन सबको दिखाने में सरकार को भी चाहिए, सेंसर बोर्ड को भी चाहिए, जब ऐसी फिल्म बने उन्हें रोकना चाहिए। मोहम्मद साहब के ऊपर कोई एक बात बोले कोई इस्लाम स्वीकार नहीं करता, और सनातन धर्म के ऊपर बात बोलने पर एक व्यक्ति ने कोई माफ किया है उसका नाम लेकर उस पर खुली कार्रवाई करनी चाहिए, हम सब उसके समर्थक रहते हैं। हाँ इसका अर्थ ये हुआ कि पहले हमने पहले देश का बंटवारा हो गया तो आप क्यों नहीं बोले, अब होगा तो न्याय बन गया तुमने हो गई, तो विरोध के आश्रम नाम क्यों रखा गया इसका, नहीं ये कोई धर्माचार है प्रकाश झा, धर्माचार है क्या प्रकाश झा जो धर्म के ऊपर शूटिंग करेंगे, धर्माचार्यों करना चाहिए, धर्माचार्यों बैठाना चाहिए, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्या सुनना है क्या नहीं कहना है, नहीं हमने तो फिल्म नहीं देगी, हमने जीवन में खुद का आरोप पैर नहीं रखा कभी और न टेलीविजन में देखा, समाज कर रहा सामने देगी विरोध कर रहा है उसका, यदि सनातन धर्मावलंबी जो भी होगा तो करेंगे, सड़कों पर तो है ही छोड़ के सड़क पर ही आता है, तो सड़क पे ही है आत्मा है कौन भी सर, कितने बढ़िया महल में रहता हो सब सड़क पर है आत्मा, लगना चाहिए जो पूरी फिल्म हो वो इस्लाम धर्म के ऊपर हो, ईसाइयों के ऊपर हो, किसी के ऊपर हो जो गलत दिखाते हैं उनको रोकना चाहिए सरकार को। वो तो वेद का गीता का शास्त्रों का उपनिषदों का भी बहिष्कार आज के लोग करते तो क्या उनको हम त्याग देंगे ना कहने से, क्या नहीं हमारी गॉड को मैं जानता भी नहीं क्या है, उसमें कोई गलत कार्य उसका विरोध करें क्यों नहीं करेंगे, अच्छा एक ऐसी बता दो हमारी गॉड को छोड़ दो, एक ऐसी बताओ जो उसमें दुष्कृत दिखाए गए हो और उसका महात्माओं ने समर्थन किया हो, आश्रम नाम भी चेंज हो, आश्रम में जो गलत चीजें दिखाई जा रही वो भी जाए, राम रहीम नाम से फिल्म बनवा दीजिए, राम रहीम नाम से फिल्म बनवाओ दीजिए, राम रहीम उसका नाम फिल्म का फिर धर्म क्षेत्र जो आप आपको रहे हो तो आपके नाम से बनना चाहिए ना, आप अगर कोई दुष्कर्म कर रहे हो तो आपके नाम से बनना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे भाई के नाम से नहीं बनेगा, तुम्हारे परिवार के नाम से नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, जो कर रहे हो आपके नाम से बनाए,